दोस्तों मैं दुकान पर आए थे और ये देखें अंकित भाई मानने नहीं इसके सर्दियों में बाल कटवा दिए <laughs> दोस्तों ये ज्यादा घस से मार रहा था लेकिन यही है अब थोड़े सी सर्दी बच रही है तो इनका पशुओं का ऐसे ध्यान झूल झाल बांध गए बचा कर रखने पड़ेंगे दोस्तों आ गए हैं घर अब जो है टू एल का सामान लिए चलते हैं यहां सब फिट है चारे वारे का काम रात में निपोट गया था तो इसलिए चलते हैं कि दोस्तों ही काम करेगा सारा वहां और गेहूं का आज काम निपटाते हैं साइडों में जो भी कट्टे वट्टे पन्ने वन्ने टांग देगा उनपे ट्वेलमी रखे हैं दोस्तों अपने बान वान सब दोस्तों खेत में पहुंच लिए और थोड़ी थोड़ी धूप भी आ गई है देखेंगे थोड़ी वो ट्वेल चलाएंगे कहीं वैसे तो मौसम तो दोस्तों बारिश का ही हो रहा है अब दोस्तों मैं हनुमान जी वाले खेत में खड़ा हूं और यहां देखें आप जैसे ये घास पर आपकी बबलू भाई ने स्प्रे करने से थोड़ा अभी लेट करवा दिया था तो देखो जैसे बड़ी अच्छी घास हरी हरी घास खड़ी है इसमें गन्ना भी बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन दोस्तों इन दिनों में घास का स्प्रे करने का बेनिफिट है अगर आप थोड़ा सा हल्की मात्रा में कर दें तो देखो जैसे ये जगह जगह से पीछे से इन्होंने काट रखे हैं जैसे जगह जगह से दोस्तों घास कट रही है थोड़ी थोड़ी तो इसके साथ में इन्होंने बच्चे गन्ने भी काट रखे हैं पौे काट रखे हैं देखो यहां से जड़ों में से जगह जगह से काट रखे हैं तो दोस्तों यही है कि घास वाले को अपनी घास से मतलब है उसे किसी भी तरह से ये नहीं है कि किसान की फसल खराब हो रही है या क्या है तो इन्होंने देखो यहाँ जहाँ से जगह जगह से एक दो एक दो बची बाकी जो है नीचे नीचे से कट रहे हैं बहुत जगह से दोस्तों यही है कि इसमें अब टाइम आ गया है कि इसमें इस्प्रे की जाए तो दोस्तों ये वही था जो सरसों का तेरह दो सौ पैंतीस हो नहीं पाया था और बाकी फिर अड़तीस बो दिया था तो दोस्तों बड़ा ही अच्छा निरोग चला लेकिन अब इसमें जो जड़ों में स्प्रे होगी उससे थोड़ा सा और कीड़ा हटेगा इसका अब मेरे पीछे देखें आप ये देखे ऊंचाई देखे गन्ने की दोस्तों यही है कि गन्ना इसमें बड़ा अच्छा हुआ और दोस्तों जब ये गन्ना बुआ था तो गेहूँ की कटाई आगी थी तो इसे फागन के और गेहूँ के बीच का ही मानना जाएगा तो बहुत ही अच्छा हुआ और दोस्तों इसमें जो है अगले महीने कटाई आएगी क्योंकि फागुन की जो रेंज का है सबसे पहला खेत यही कटेगा पुग्वा इसमें छुड़वा देंगे और बाकी इसमें सारा जो भी है पत्ती वत्ती इसमें फैलवा देंगे तो इस दोस्तों इसमें कभी पत्ती जोती नहीं गई तो आगे इसमें जो है तीसरी बार की पेडी काट के फिर इसमें पत्ती जोती जाएगी तो बाहर निकल लेते हैं बजरंग को नमन करते हैं जय बजरंग बली जय होनीम बाबा की तो सब बड़े आशीर्वाद है इनका कभी कि जिस तरह से भी यहाँ बजरंग बली ने दर्शन दिए ये बड़ी ही चमत्कारी और चौंकाने वाली बात है कि ऐसा कभी मन में सोचा था नीम के पेड़ को नीम बाबा नीम बाबा करके बोलते थे और फिर दोस्तों बजरंग बली यहाँ आए तो ये भी बड़ा अच्छा लगा तो ऐसी बात नहीं है कुदरत अपने हिसाब से चमत्कार दिखाती है बस हमें खुली आंखों से देख समझने की जरूरत है राम राम जी और बढ़िया जी बाबू जी दोस्तों चुैल पर पहुंच गए हैं धूप भी बहुत अच्छी आ गई है मौसम एकदम से बदल सी गया है ठंड सी गायब हो गई है बाबा राम राम और दोस्तों ट्वेल्व पे पहुंच गए हैं ये लट्ठे निकाल लिए हैं और इन्हें जमीन में धसाने के लिए ठोकने के लिए ये लट्ठा भी निकाल लिया है दोस्तों ये वो लकड़ी है जिस जिसपे जो था ठेकेदार पहले अपनी धरंती रेत डाल डाल के बारू रेत डाल के डालती चाटते थे पल के तो ये लगा देंगे उस तरफ ले जाकर क्योंकि अभी गिल्ला है अभी बढ़िया धसेंगे क्योंकि दोस्तों इसमें से नीलगाहे बार बार पार हो रही हैं उधर से भी आती हैं और इधर से भी जाती हैं क्योंकि जंगल में आप कोई फसल बो दो चाहे खाली रखो जो उनके नेचुरल आने जाने के ट्रैक रहते हैं जो उनका प्राकृतिक रास्ता रहता है वो उसे कभी नहीं छोड़ती उसके लिए आपको कुछ ना कुछ बीच में फेरबदल करनी पड़ती है उससे उनका ध्यान भंग हो जाता है फिर वे जो है आना क्योंकि दोस्तों खाने से नुकसान नहीं है पौधा ऊपर से खा लिया पौधा फिर भी चल रहा है लेकिन जो गिल्ले में या वैसे पैर से नीचे जमीन में धसा दिया वो खत्म हो गया तो इसलिए अपनी फसल को बचाएं टिंग टोंग दोस्तों अब मैं जो था उधर से घूमता हुआ इधर आ गया था और यहाँ ताज़ा पानी पीने को मिला हमारे वाली बिजली तो दोस्तों उधर चल नहीं रही थी तो ताज़ा पानी पीने के लिए मुझे दूसरी ट्यूवेल पाना पड़ा और दोस्तों इस ताज़े पानी को पी के इसमें जो है हाथ मुँह धो के बहुत अच्छा लगा और दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि हमने जो शरीर अपने ये बदल लिए कमजोर कर लिए ये हमारी खुद की गलती है इसे हमें सुधारना होगा क्योंकि जब तक फ्रिज का पानी का सेवन नहीं था रोड जो गर्म लगी हुई है उसका सेवन ज़्यादा नहीं था तो ताजे पानी को भूल गए हैं लोग इस पर दोबारा आना होगा अपने शरीर को ऐसी आदत ना डालने लें जिसे आप आगे झेल ना सकें क्योंकि दोस्तों पहले मुझे ध्यान है हम छोटे से घूमने आते थे खेत में तो ताज़े पानी में नहा के ज़्यादातर जब ही जो है इधर उधर काम पर जाते थे धीरे धीरे ताज़े पानी का सेवन बंद हो गया और शरीर कमज़ोर होते चले गए यही कारण है शरीर में जो आजकल बीमारियाँ आ रही हैं तो दोस्तों हमारी खुद की करतूत ऐसी है हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन यूज हम सारे अपने जीवन में खान पान हमारे खरी खराब हैं जो कि विदेशों से सारा गटर ऑयल आ रहा है प्योरीफाई होकर ऑयल से मतलब यही है कि जो शहरों में सीवर होते हैं उनमें आपने देखा होगा किसी भी तरह की चिकनाई का जो प्रोडक्ट है तेल के कणु ऊपर आ जाते हैं तैर के तो उन बड़े शहरों में गटर ऑयल निकाला जाता है और उसे प्योरीफाई करके सब जगह यूज किया जा रहा है पाम ऑयल के रूप में कहीं कहीं किसी किसी नाम से तो दोस्तों यही बात है कि अपना खान पान सही रखिए अपना सात्विक और वैदिक जीवन जिए आपको जो है कभी भी किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और देर से बुढ़ापा आएगा लेकिन बुढ़ापा इतना बुरा नहीं आएगा कि आपको डेली टेबलेट खानी पड़े मतलब ये एक प्रक्रिया है जो एक क्रिया है देखो ये जमीन में से ताजा पानी के रूप में बिल्कुल सोना निकल रहा है जिसे एक वर्ड हमने बता दिया है कि सोना सबसे कीमती चीज है तो इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता ये एक प्राकृतिक चीज है जिसे हमें समझना होगा तो दोस्तों मैं पानी की बोतल भी ले रहा हूँ एक तो वो पानी बासी है दूसरा प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ है और तीसरी जो सबसे बड़ी बात उसकी ये है कि इतने ठंडे पानी को पी के बीमारी होना है दोस्तों मुझे यहाँ पर ट्वेल चली हुई दिखी तो मैं इधर आ गया पानी पीने और बाकी यही है दोस्तों के अपने जीवन को आप इतना मतलब मुश्किल और कठिन बनाते जा रहे हैं कि एक कदम भी लोग जो हैं दवाई और गोली खाकर उठा रहे हैं थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तुरंत गोली खाते हैं कोई खाली पेटी गोली खा रहे हैं तो दोस्तों ऐसा मत करिए अपने शरीर के साथ में धीरे 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 वैदिक जीवन जो सात्विक खाना है उस पर आ जाइए, बिल्कुल भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी पुराने वेद पुराण जितने भी हैं उन्हें पढ़िए समझिए जो प्राकृतिक चिकित्सा रही है उसे पढ़िए समझिए धीरे 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 ऐसा होगा कि आप खुद अपने शरीर में इतने बदलाव देखोगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा अब दोस्तों हल्की सी धूप आई है और मैं जो देख रहा था यहाँ जितने भी खेतों में आसपास में काम करने वाले थे ये फटाफट फटाफट ट्यूवेल पर नहा के ही चले गए तो दोस्तों कमाल ये देखो कि वो इतनी सर्दी में भी सर्दी नहीं मान रहे क्यों क्योंकि वो उसे बहुत हल्के में ले रहे हैं वो उसे एक मौसम की तरह ही ले रहे हैं कि मौसम बदला छुट्टी मौसम बदला छुट्टी मौसम बदला छुट्टी लेकिन हमें क्या है अपने शरीर हमने ऐसे कर लिए आर का पानी भी बासी पानी को भी गैस पर गर्म कर करके कर पी रहे बताओ कितना शरीर का नाश कर रहे ताजे पानी का यूज छूट गया नल के खत्म घरों में सब जगह प्लास्टिक के पाइप डल गए और यो हो गया और फिर कहते हैं मेरा तो तिजाब सा बन रहा मेरा तो कालजे में धुम्मा सा उठ रहा मेरा तो नुह हो रहा फिर पता का फट दे रही गोली फांक ली फिर उस गाली गोली ने एक काम तो करा ये सिरमतरा दे नवे नवे नाटक जोड़ों के दर्द ये ये सब आ गए तो पहले बुजुर्ग इतने ज्यादा इसीलिए चल गए दोस्तों क्योंकि उनमें हिम्मत थी उनमें हिम्मत इतनी थी कि वो सुबह उठ के अपना काम करते थे और फिर वो इतने ढंग में दिन भी नहीं निकलता था इतना अपना काम निपटा के टूवेल पे या नल पे नलका चला के या चलते रजवाए में जहां भी उनका जैसा था ताजे पानी में नहाते थे चलते हुए में तो उससे उन्हें इतनी मजबूती मिलती थी लेकिन बात यही गौर कर कि वो प्राकृतिक जीवन जीते थे वैदिक जो जीवन था जो एक सात्विक जो जीवनचर्या थी उनकी जो सात्विक भोजन खाते थे वो बिल्कुल प्रकृति के हिसाब से ही चलते थे इसमें उन्होंने कोई मोडिफिकेशन या बदलाव नहीं करा था लेकिन हमने तो इतने बदलाव कर लिए हम तो बिल्कुल दवाइयों से और बीमारियों से इतने गिर गए हैं दोस्तों बिल्कुल मैं बता रहा हूँ एकदम आंख नहीं खुलने की इतना मतलब बुरा हाल होता जा रहा है जबकि हमने दोस्तों ये देखा है बहुत जगह जो हमारी जानकारी में बड़े अधिकारी हैं या किसी भी तरह से वो हॉस्पिटल से जुड़े मेडिकल स्टोर उनका है या वो वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं नौकरी है उनकी या वो डॉक्टर हैं वे जो हैं वैदिक और सात्विक जीवन पा गए दुनिया का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो अपने ज्ञान के हिसाब से बिजनेस चल रहा है उनका ठीक है जो उन्होंने पढ़ाई करी है लेकिन उनके घर में गैस पर तवा भी जो रखा है वो मिट्टी का है अंगिठी चला रहे हैं बताओ घरों में उनके गांव से कहीं से भी अरेंजमेंट करके ये लकड़ी के टुकड़े आ रहे हैं ईंधन आ रहा है और वो शहर में अंगिठी चला रहे हैं बताओ और जब भी मौका मिलता है नंगे पैर वो थोड़ा बहुत मिट्टी में काम कर लेते हैं और कहीं भी जो है अपना जितना भी हो सकता है शारीरिक परिश्रम करते हैं डेली पसीना निकाल रहे हैं किसी न किसी बहनने से तो दोस्तों यही है हमने यही बात देखी है कि शरीर वो का वही है जो अंदर जो खुराक है जारी है वो खुराक ख़राब जा रही है गलत समय पर खाना खाया जा रहा है बिल्कुल हर चीज़ में यह कर दिया है कि या तो पानी की रोड लग रही है या फ्रिज चल रहा है ताजे पानी का यूज बिल्कुल ख़त्म है लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है इस शरीर के साथ में बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना है इस शरीर को जो है दोबारा से लोहा लाठ बनाना है तो अपनी जो है आदतें सुधारनी होंगी फटाफट दोस्तों गेहूँ में बैरिकेड कर लेते हैं किंग टांग दोस्तों वहां से आते हुए दो खम्भे गाड़ दिए हैं और ये देखो यहाँ किसी ने दोस्तों ट्रोली बचाई या कोई ले गया देखो कहां, आई। तो पलटाता नहीं पलटाता और बढ़िया मगर बड़ी मेहनत कर रहे दो दो ट्रोली ले मन रहे। है है है। सही बात है तो बाद में गर्मियों में फिर दिक्कत आओगी तो दोस्तों इनका भी छोटा ही हाड़ा है पिछत्थर वाला लेकिन फिर भी इसमें ट्रोली में मेरे ख्याल से सैतालीस चालीस सैतालीस कुंटल गन्ने तुल जाते हैं तो एक वो मोटा भाई के रखते हैं ये दो रखते हैं उनके घेर में खड़ी करेंगे भर भर के फिर जो है इनका शाम का टाइम में भाई ले जाएंगे शाम को ये कुलदीप भाई के ड्राइवर हैं बड़े अच्छे भाई हैं अपने दोस्तों इस साइड के खंभे गढ़ गए हैं बस अब जो है बांध बांधना शुरू करते हैं डबल बांध देंगे फिर उन पर जो है जो भी कपड़े उपड़े कट्टे हैं वो लटका देंगे बीच बीच में जिससे आती हुई नील नीलगा इसे टकराना जाए दोस्तों यहाँ तो अटका दिया है खंबे का काम तो इस जुड़े ने कर दिया में ने। यह है ठाण्ड के जीरो और बाकी ये है यहाँ से लगा दी है और दोस्तों तुरंत के फौरन जो है घर से ऑर्डर लगा है कई दिन हो गया है दोस्तों नहाए अब तुरंत के फौरन जाके साबुन शैम्पू सब खर्च कर लेते हैं और थोड़ा नहा के खाना खा के आते हैं आप सब ने तो खाना खा लिया होगा दोस्तों डेढ़ बजे का टाइम हो रहा है डेढ़ दो बजे रहे हैं भाग लेते हैं तुरंत तो के फौरन दोस्तों उस साइड आके लगाएंगे टिंग टोंग दोस्तों नहा के। के फिट हो गए हैं और दोबारा से चल पड़े हैं खेतों में जो काम रह गया था उसे पूरा कर लेते हैं और दोस्तों इसने भाई ने जो है यहाँ भी पट्टी खींची है थोड़ी सफाई सी करके देखे और वो देखो वहां सीढ़ी उठ रही है ऊपर चलते हैं टिंग टोंग दोस्तों खेत में आप पहुंचे हैं और देखे चारों तरफ ओस और पाला कितना है मौसम बिल्कुल गुम है कोई हवा नहीं चल रही कुछ नहीं मौसम का तो मिजाज ही समझ में नहीं आ रहा और दोस्तों ट्रोली लगभग होश ही गई है लेकिन ट्रॉली कल ही भरेंगे क्योंकि होने में हो सी गई में फ़र्क है कम गन्ने ले जाने में फायदा नहीं है क्योंकि दोस्तों मेहनत की मेहनत कर ली दिन का दिन लगा दिया तेल का तेल फूक गया डुलाई की डुलाई गई तो दोस्तों सारा काम ऐसे ही है कि दो चार पाँच कुंटल गन्ने पर्ची से अगर एक्स्ट्रा भी जाते रहें क्योंकि दोस्तों छत्तीस अट्ठारह दूनी छत्तीस कुंटल की पर्ची है ये और बाकी ऊपर जितना भी जा रहा है ओवर लोड ही जा रहा है तो वो कटता है वो दोस्तों फिर बाद में लास्ट में पर्ची आती है तो वो सारी काम इस खेत में आएंगी अब दोस्तों इसमें जो है स्प्रे भी होगी और इसमें डोज भी लगेगी जो एक लगती है सर्दी के दौरान ही लगती है वो लेकिन लेट हो रही है अब तक तो लगा देनी थी हमें उससे जो है इसे बेनिफिट ही मिलता पर अभी जो है पाले ने दोस्तों पूरा गोला सब जगह का पीला कर दिया क्योंकि है क्योंकि डेली पाला पड़ता है सूखी ठंड पड़ रही है तो दोस्तों चले चलते हैं सामान जो पड़ा है अंदर रखते हैं बाकी ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाएंगे बस एक वंडी यहाँ घुमा देंगे इन पर हम लोग पर दोस्तों लगभग चक में घूमते हुए बिल्कुल अंधेरा ही हो गया है और दोस्तों हम बिल्कुल पूरी तरह से ओस में और कोहरे में पाले में ना भीग जाएं इसलिए दोस्तों फटाफट घर चलते हैं ये देखें थोड़ा सा इस पे भी पानी थोड़ा सा क्या है इस पर तो बहुत ही दोस्तों पानी ज्यादा आ गया तो ये ना पड़ेगा पूरा ओस आ गई इस पर ध्यान नहीं करा इस पर कुछ कपड़ा वगैरह डालना था इतने दोस्तों उधर घूम का है चक में इतने जो था काफी कुछ तो दोस्तों निकल चलते हैं मिंदर भाई और बाबा भी जाने लग रहे हैं उधर से गाँव घर की तरफ बढ़ते हैं ठंड बहुत है